वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सिविल गुरुजी सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। मैं इंजीनियर किशन ओझा आपका स्वागत करता हूँ। करना है खास तो चलो हमारे साथ, करना है खास तो चलो हमारे साथ, सिविल के बाद गुरुजी के साथ। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग पाइल फाउंडेशन कहाँ कराते हैं, कैसे कराते हैं, उसके लिए कंडीशंस क्या क्या होती हैं। उसके साथ साथ में ही हम लोग देखेंगे कि पाइल फाउंडेशन में जो हम लोग क्वांटिटीज निकालते हैं सीमेंट सैंड एग्रीगेट की, वो कैसे निकालेंगे। तो आगे की वीडियो के लिए आप सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए ताकि आगे जो भी वीडियोज आते रहे उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो बात करते हैं वीडियो की। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं पाइल फाउंडेशन की। तो यहाँ पे जो पाइल फाउंडेशन की हम बात कर रहे हैं, ये एक टाइप है डीप फाउंडेशन का। डीप फाउंडेशन मतलब कि जिसमें उसकी लेंथ जो रहती है वो उसके विड्थ से ज़्यादा रहती है, तो उस फाउंडेशन को हम लोग बोलते हैं पाइल फाउंडेशन। जनरली पाइल फाउंडेशन हम लोग जो कराते हैं तो उसमें बहुत सारे टाइप की पाइलिंग होती है, फ्रिक्शन पाइल, एंड बेयरिंग पाइल, कॉम्पैक्शन पाइल, तो ये बहुत सारी टाइप्स हैं। अंडर रिम पाइल्स भी होते हैं कई कई जगह, जहाँ पे नीचे में बल्ब वगैरह प्रोवाइड करे जाते हैं एंकर के तौर पे ताकि उसको एक सपोर्ट मिल सके। तो जनरली हम लोग पाइल की बात करें तो पाइल हम लोग ऐसे हाई राइज स्ट्रक्चर में प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे जो स्ट्रक्चर है वो हैवी है, मतलब कि जहाँ पे जो लोडिंग है जिस स्ट्रक्चर की वो ज़्यादा है, और उसको अगर लोड्स को ट्रांसफ़र करना है अच्छे से स्ट्रेटा में तो हमको उसके लिए पाइल फाउंडेशन करना होता है। सेकंड इसके लिए जो मैं पॉइंट है वो है वाटर टेबल का। तो जो हमारा पाइल फाउंडेशन है वो वाटर टेबल पे भी बहुत डिपेंड करता है। अगर आपका वाटर टेबल ऊपर है, मतलब कि आपकी जो सॉइल है वो लूज़ है, तो लूज़ सॉइल होने के कारण एक फाउंडेशन को एक हार्ड स्ट्रेटा नहीं मिलेगा, जिसके कारण उसकी स्टेबिलिटी परफेक्ट नहीं होगी। तो एक हम लोग पाइल फाउंडेशन इसीलिए प्रोवाइड करते हैं ताकि हम फाउंडेशन को एक डेप्थ तक के पहुंचा सके, जहां पे हम लोग एक हार्ड स्ट्रेटा को अचीव कर सके ताकि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो स्टेबल रहे। तो ये कुछ पॉइंट्स है पाइल फाउंडेशन के लिए कि हम क्या कर सकते हैं, कहां कहां अपने पाइल फाउंडेशन हम प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर अब मैं बात करूं उसकी क्वांटिटीज की, सपोज आपको पाइलिंग कराना है तो पाइलिंग के लिए जो आपका पाइल का डाया है सपोज वो 300 mm का है, और जो डेप्थ ऑफ फाउंडेशन है, जो आपकी डेप्थ ऑफ पाइलिंग है, वो 10 मीटर की है। तो यहां से हमको सबसे पहले इसका वॉल्यूम निकालना होगा। वॉल्यूम निकालने के लिए जस्ट मैं बेसिक फॉर्मूला यूज करूंगा जो होता है आपका पाई बाय 4 डी स्क्वायर इंटू एच। यहाँ पे डी स्क्वायर डाया ऑफ पाइल है जो कि आपका 300 mm है, एच आपकी डेप्थ ऑफ फाउंडेशन है जो कि है 10 मीटर। तो अगर मैं फॉर्मूला में वैल्यू को रखता हूं तो पाई बाय 4 इंटू 0.3 का स्क्वायर इंटू 10, इसको मल्टीप्लाई करने पे मेरे को जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी आपकी 0.706 मीटर क्यूब। अब ये जो मेरे को वॉल्यूम मिला है वो वेट वॉल्यूम है। ये वेट वॉल्यूम में कभी भी हमारे कंक्रीट की क्वांटिटीज नहीं निकलती, हमको वेट वॉल्यूम को ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करना ही होगा, जिसके लिए हमारे पास ड्राई कोफिशिएंट होता है 1.54। ये जो 1.54% है वो डिपेंड करता है उसकी कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स में, जिसके बारे में और अच्छे से बातें हुई है हमारी वेबसाइट में, जिसमें आप जाके लॉगिन कर सकते हैं www.civilguruji.com पे, जहां पे आपको ये 54% का जो इंपॉर्टेंस है एक वेट वॉल्यूम से ड्राई वॉल्यूम में जाने का, वो चीजें आपको और अच्छे से एक्सप्लेन की गई है। तो मैं बात कर रहा था आपके वेट वॉल्यूम से ड्राई वॉल्यूम में जाने की, जिसके लिए हम ड्राई कोफिशिएंट यूज करेंगे 1.54 का। तो अगर मैं ड्राई वॉल्यूम निकालता हूं तो जस्ट मेरे को मल्टीप्लाई करना है 0.706 इंटू 1.54। मल्टीप्लाई करने पे मेरे को जो वॉल्यूम मिलेगा वो होगा 1.088 मीटर क्यूब। ये हमारे वॉल्यूम होगा कॉन्क्रीट का ड्राई वॉल्यूम। तो इस ड्राई वॉल्यूम के यूज से अब हम इनकी क्वांटिटीज निकालेंगे। जैसे कि आप पाइलिंग कराने के पहले जो हम कंक्रीट बनाएंगे उसके लिए जो हमारे पास मिक्स डिजाइन होगा, तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि हमारे पास जो मिक्स डिजाइन प्रोवाइड होता है जो हमको कंक्रीटिंग कराना है, तो यहां पे सपोज अगर मेरे पास मिक्स डिजाइन M25 का है तो M25 के लिए जो मैं स्टैंडर्ड रेशियो लेता हूं वो 1:1:2 का लेता हूं, 1:1:2 का। बट मिक्स डिजाइन में हो सकता है कि वो वैल्यूज चेंज हो जाए, वो डिपेंड करता है आपके मिक्स डिजाइन पे। अगर मैं बाय वेट निकालूं या बाय वॉल्यूम निकालूं तो मैं मिक्स डिजाइन में जो यहां पे M25 यूज कर रहा हूं, तो M25 का यूज करके हम जो सीमेंट सैंड एग्रीगेट की क्वांटिटीज निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं सीमेंट की, अगर मेरे को क्वांटिटी निकालनी होगी
तो सीमेंट की क्वांटिटी निकालने के लिए आपको बस फॉर्मूला का ध्यान रखना है, मतलब कि आपके पास जो ड्राई वॉल्यूम है वो उसका यूज करके हम अब सीमेंट के बैग्स निकालेंगे, क्योंकि हम जनरली सीमेंट को बैग्स में निकालते हैं। तो मैं निकालूंगा फॉर्मूला से जिसमें मैं वैल्यूज रखूंगा 1.088 इंटू वन। यहां वन जो मैं बात कर रहा हूं वो मेरा कॉन्क्रीट का जो रेशियो है वन, वो मैं ले रहा हूं डिवाइडेड बाय जो रेशियो है 112 का उसका सम, मतलब कि 1.088 इंटू वन डिवाइडेड बाय 1 + 1 + 2, ये हो गया। उसके बाद मेरे को इस वैल्यू को केजी में कन्वर्ट करना है, तो मेरे को उसके यूनिट वेट से मल्टीप्लाई करना होगा, जो कि सीमेंट के लिए हमारा यूनिट वेट होता है 1440 केजी पर मीटर क्यूब। तो यहां से इसका मल्टीप्लाई करने पे मेरे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो केजी में आ जाएगी। अब जैसे कि आप लोगों को पता है कि मेरे पास जो सीमेंट का बैग होता है उसके एक बैग का वेट होता है 50 केजी, तो मैं इस वैल्यू को 50 से डिवाइड कर दूंगा, मतलब कि जब मैं ये पूरी वैल्यूज को एक साथ रख के मल्टीप्लाई डिवाइड कर लूंगा तो मेरे को वहां से जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 8 bags राउंड अप में, क्योंकि हम लोग हमेशा जब भी सीमेंट बैग्स की बात करते हैं हमेशा हम राउंड अप में लेते हैं चीजों को। तो यहां से मेरा जो सीमेंट बैग निकल गया वो निकल गया आपका 8 bags। अब नेक्स्ट जो हम लोग क्वांटिटी निकालेंगे वो निकालेंगे सैंड की क्वांटिटी। तो सैंड की क्वांटिटी हम लोग हमेशा क्यूबिक फीट में निकालते हैं, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि 1 m³ में हमारा 35.31 क्यूबिक फीट होता है। तो सबसे पहले मैं वैल्यू को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करूंगा, उसके लिए मैं करूंगा वॉल्यूम का मल्टीप्लाई उसके रेशियो से और उसके सम से, मतलब कि 1.088 इंटू जो रेशियो है सैंड का 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाय उसके रेशियोज का सम 1 + 1 + 2 इंटू, अब ये जो वैल्यू है मेरी वो मीटर क्यूब में है, उसको मेरे को क्यूबिक फीट में कन्वर्ट करना है, तो मैं 35.31 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, जहां से मेरे को वैल्यू मिल जाएगी 9.6 क्यूबिक फीट। तो यहां हम लोगों ने सीमेंट और सैंड की क्वांटिटी निकाल ली है। अब हमको क्वांटिटी निकालनी है एग्रीगेट की, कि हम कितने क्वांटिटी में एग्रीगेट मिक्स करेंगे। तो एग्रीगेट की बात करें तो एग्रीगेट के लिए भी जस्ट मैं फॉर्मूला सेम वही लगाऊंगा, क्योंकि एग्रीगेट की भी वैल्यू हम क्यूबिक फीट में ही निकालते हैं। तो 1.088 इंटू जो हमारा रेशियो था एग्रीगेट का वो था 2, तो इंटू 2 डिवाइडेड बाय उसका सम जो कि है 4, उसका मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 35.31 से, जहां से हमको एग्रीगेट की वैल्यू मिलेगी 19.20 क्यूबिक फीट। तो इस तरह से हम लोगों ने पाइलिंग के लिए एक सिंगल पाइल की क्वांटिटी निकाल ली, मतलब कि एक सिंगल पाइल को कराने के लिए मेरे को सीमेंट 8 bags लगेंगे, सैंड जो है वो मेरे को 9.6 क्यूबिक फीट लगेगा, और जो एग्रीगेट लगेगा वो लगेगा 19.20 क्यूबिक फीट। तो यहां जो मैं क्यूबिक फीट की बात कर रहा हूं, इसको चाहे तो आप बाय वॉल्यूम भी डलवा सकते हैं मिक्स में, या तो बाय वेट भी डलवा सकते हैं। तो ये दो तरीके से हम लोग जनरली कंक्रीट की बैचिंग करते हैं। फिर अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि कितने वॉल्यूम में हम उसमें वाटर को ऐड करेंगे। तो आपके पास जो मिक्स डिजाइन प्रिपेयर होके आएगा, उसमें आपके पास वाटर सीमेंट रेशियो दिया होगा कि आपको कितना वाटर रेशियो मेंटेन करना है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लूं, अगर मेरे पास वाटर सीमेंट रेशियो 0.45 का आता है तो उसका यूज करके मैं वॉल्यूम ऑफ वाटर कैसे निकाल सकता हूं। तो जनरली मैं वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालने के लिए जो फॉर्मूला यहां यूज करूंगा वो होगा आपका वाटर सीमेंट रेशियो इंटू जो हमारे नंबर ऑफ बैग्स आए सीमेंट के इंटू वेट ऑफ 1 bag ऑफ सीमेंट। तो जैसे कि मैं आपको बताया कि वाटर सीमेंट रेशियो मैंने यहां पे 0.45 लिया, जो मेरे नंबर ऑफ बैग्स आए वो आए आपके 8, और जो वेट ऑफ 1 bag ऑफ सीमेंट होता है वो होता है 50 kg। तो मैं इन तीनों का मल्टीप्लाई करके मैं अपना वॉल्यूम है वाटर का वो लीटर्स में निकाल सकता हूं। तो इस तरह से हम लोग पूरे एक पाइलिंग के लिए जो हम लोग कॉन्क्रीट बनवाएंगे, तो कॉन्क्रीट बनवाने के लिए हमको कितने कितने क्वांटिटी में सीमेंट सैंड एग्रीगेट लगेगा वो आप निकाल सकते हैं। यहां मैंने एक पाइल की बात की है, सपोज आपको 60 pile कराना होगा 60 piles, तो भी आपको जस्ट एक चीज करना है, जब आप वॉल्यूम निकाल रहे हैं तब आप नंबर ऑफ पाइल्स वहां पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वहां से आपके पूरी 60 pile का एक साथ में ही क्वांटिटी सर्वे निकल जाएगा। या अगर आपको सिंगल एंटिटी का निकालना है तो भी आप ये मेथड यूज करके निकाल सकते हैं।
तो जैसे कि आपने देखा कि इस वीडियो में हम लोग ने बात किया कि पाइलिंग क्या होता है, पाइलिंग कैसे कराते हैं, वो सब चीजें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि पाइलिंग कराने का प्रोसीजर क्या होता है, प्रॉपर पाइलिंग हम कैसे करा सकते हैं। क्योंकि जब भी हम लोग एक आपको एक बात बताना चाहूंगा कि जैसे हम लोग पाइलिंग की अगर मैं बात करूं तो हमको सबसे ज्यादा ये चीज का ध्यान रखना पड़ता है कि जो मिट्टी धंसती है, क्योंकि हम लोग 10 मीटर नीचे जा रहे हैं तो उसके कारण जो मिट्टी धंसती है, कोलैप्स होती है, उस चीज को हम लोग कैसे रोक सकते हैं, उसके लिए क्या प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं, वो सब चीजें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक कि आप बने रहिएगा सिविल गुरुजी के साथ, हम आपके लिए लाते रहेंगे ऐसे ही कोई नए नए टॉपिक्स में नए नए वीडियोस। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।